नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। अब तक नेता वोट खरीदने के लिए पैसे और शराब का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पहली बार किसी ने दुल्हन की पेशकश की है। हरियाणा के निर्वाना में बीजेपी किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनकर ने वोट के बदले कुमारों को दुल्हन देने का वादा किया। वोट के बदले नोट सुना होगा, बीजेपी के एक नेता ने हरियाणा में वोट के बदले दुल्हन का वादा किया है। बीजेपी किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनकर ने हरियाणा के नरवाना की एक जनसभा मंच से ये वादा किया। और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुवारों को दुल्हन मिलना, जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे ऐसे एक एक गाँव में 150-200 लड़के जो दुल्हनों से वंचित है। हरियाणा के कुंवारे दूसरे राज्यों से दुल्हन ला रहे हैं। राज्य में कम लिंगानुपात के चलते ऐसा करना पड़ रहा है, इसीलिए धनकर ने खुलेआम मंच से वोट के बदले कुंवारों को सेहरा पहनाने का वादा दे दिया है। और मैं तो ये भी कह रहा था, जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र में घूम रहा था, हर गांव में बता रहे थे कि बिहार से ला रहे हैं जी, वहाँ से ला रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस दिक्कत को भी ठीक करेंगे, सुशील मोदी भी मेरा यार है, रिश्ते कराएंगे तो ढंग से कराएंगे, ये वैसे लेना देना छुड़वा देंगे जी, बाहर से लाओ जी। दोस्त सुशील मोदी ने भी धनकर के बयान पर समर्थन ये दलील देते हुए दी है कि उन्होंने बिहार से महिलाओं को खरीद फरोख पर सवाल उठाकर सरकार को सचेत करने का काम किया है। बकौल मोदी, धनकर ने परंपरागत तरीके से शादी कराने पर जोर दिया है, जो कि खरीद फरोख के मुकाबले बेहतर बात है। ओम प्रकाश धनकर ने यही कहा है कि अगर हम लोग की सरकार बनेगी तो हम ये जो खरीद फरोख्त लड़कियों का चल रहा है उसको हम रोकेंगे और वैधानिक तरीके से जो शादी करना चाहते हैं उनको शादी कराने में और हम उनकी मदद करेंगे। ये तो अच्छा ही बयान दिया उन्होंने। हरियाणा में राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए बीजेपी नेता ने अजब फॉर्मूला अपनाया है। धनकर के इस विवादास्पद बयान पर सियासी उबाल आ गया है। तो ये गंदा बयान उसने दिया है, उसको हम मरम्मत करते हैं, पूरा बढ़िया से उसको धानुका हो या कानुका हो इसका हम लोग। बीजेपी का वोट जुटाने का ये अजीब तरीका सियासत वालों को अखरा है। एनसीपी ने भी बीजेपी के वोट जुटाने के इस पैंतरे पर सवाल खड़े किए हैं। नरवाना की सभा में मौजूद ज्यादातर पुरुष या तो कुंवारे थे या फिर बाहरी राज्यों से दुल्हन लाए थे, और इसीलिए बीजेपी नेता ओपी धनकर ने वोट के बदले दुल्हन का वादा दे दिया। लेकिन इस वादे के दो राजनीतिक नजरिए हैं। दोस्त धनकर की सराहना कर रहे हैं तो विरोधी पार्टी विचारधारा की निंदा। भूपेंद्र मोर, नरवाना, आज तक।